कई बार क्या होता है, हमारी छोटी छोटी सी कोशिश बच्चों को बहुत सरप्राइज कर देती है, और बच्चों को जब छोटी छोटी सी खुशी मिलती है तो वो हमारे लिए बड़ी बड़ी चीज़ें कर देते हैं। हेलो नमस्ते, मैं करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी सुबह की शुरुआत उसी नए जज्बे और नए जज्बात के साथ हो रही होगी। तो मेरी सुबह की शुरुआत नाश्ता बनाते समय हुई, जब मैंने बीन्स की सब्ज़ी और रोटी बना ली थी तभी रचित आया, और रचित ने बोला, मम्मा मुझे आज कुछ लंच में ऐसा दो, लंच बॉक्स में, जो कि बच्चे जो कैंटीन खाने जाते हैं, ज़्यादातर बच्चे कैंटीन चले जाते हैं खाने के लिए, तो मुझे कुछ ऐसा दो कि मैं कैंटीन भी ना जाऊं और मुझे अच्छा भी लगे और तुमको बनाने में भी मन लगे। तो मैंने फटाफट से उसके लिए टमाटर प्याज वाला सैंडविच बनाया, तो ब्रेड पे जो पिज़्ज़ा बेस होता है सॉस पिज़्ज़ा बेस का, वो स्प्रेड कर दिया क्योंकि उसमें ऑलरेडी नमक और फ्लेवर सब होते हैं। ऊपर से फटाफट से प्याज टमाटर काटा और दूसरी तरफ से ब्रेड स्लाइस से इसको ढक दिया। मैंने पहले सोचा चीज़ भी डाल देती हूँ, फिर सोचा नहीं नेक्स्ट टाइम मैं चीज़ वाला बना के दूंगी, और ये छोटे साइज़ का ब्रेड है तो दो सैंडविच अच्छे से बॉक्स में आ जाता है। फिर रचित को मैंने बताया नहीं, जब रचित आया और उसने देखा टिफ़िन बॉक्स में सैंडविच है तो बहुत खुश हो गया। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश से ना उसको ये लगा कि हाँ, एक तो मैंने उसके पसंद की चीज़ की, रोज़ वो पराठा सब्जी रोटी सब्जी ले जाता है, मैं नहीं चाहती कि उसकी वो वाली आदत छूटे और रोज़ इस टाइप की चीज़ें खाने की आदत पड़े, सब चीज़ खाने की आदत होनी चाहिए। और दूसरा, उसने खुद अपनी समझदारी से ये कहा कि मम्मा तुम सुबह उठ के मेरे लिए टिफ़िन बनाती हो तो मैं कैंटीन तो नहीं जाऊँगा, लेकिन मुझे ऐसी चीज़ दो जो कि कैंटीन में मिलता, तो इसलिए मैंने सैंडविच दिया। और एग्जैक्टली वो सैंडविच के ही बारे में कह रहा था, इसलिए उसको लगा मम्मा तुमने कैसे मेरे मन की बात समझ ली। तो बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे आपके छोटी छोटी एफर्ट्स को समझते हैं, बच्चों के अंदर वो छोटे छोटे इमोशंस होते हैं समझने के लिए, और आज के टाइम में ना सबसे ज़रूरी यही है कि बच्चे आपके इमोशंस को, आपके एफर्ट को समझें कि आप उनके लिए क्या कर रहे हैं। वरना नॉर्मली बच्चों को ये लगता है कि ये तो मम्मा का काम ही है करना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो इसके बाद सैंडविच बनाया, दूसरी तरफ बीन्स की सब्ज़ी बन रही थी तो मैंने, रचित आया किचन में, उसने देखा सैंडविच बन रहा है तो उसने बोला मम्मा फिर तो सब्ज़ी बेकार हो जाएगी क्योंकि तुमने तो बीन्स की सब्ज़ी बना ली है, फिर क्यों बनाया तुमने। तो मैंने उसको बोला कि नहीं बेकार नहीं होगी, तो बोला ठीक है मैं इसको चावल दाल से दिन में खा लूँगा, तुम कोई और सब्ज़ी मत बनाना। तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसको ये थॉट तो अपने से आया कि ये सब्ज़ी वेस्ट नहीं होनी चाहिए, चीज़ों की अहमियत समझाना बहुत ज़रूरी है बच्चों को। और कई बार क्या होता है, हम बैठ के हर चीज़ों को सिखा नहीं सकते, जो बच्चे देखते हैं वो खुद समझ जाते हैं। तो उसने देखा है कि मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी जो बचती है ना उसको या तो किसी को खाने के दे देती हूँ या खुद खा लेती हूँ, उसको वेस्ट नहीं करती हूँ। फिर मैंने तुरंत अपने लिए उसी समय रोटी बना ली, क्योंकि जब रचित चला जाता है तो फिर मैं बाकी काम करने में लग जाती हूँ। तो टिफ़िन में फिर मैंने फ्रूट्स भी डाला, मीठा भी डाला उसके लिए, और साथ में वो एक पराठा खा करके गया बीन्स की सब्ज़ी से। सुबह में खिलाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जो इन लोगों का टिफ़िन ब्रेक होता है ना वो ऑलमोस्ट 11 बजे होता है, तो काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है उस ब्रेक को। तो रचित का टिफ़िन तैयार हो गया, छोटे छोटे ब्रेड के स्लाइसेस के दो सैंडविच, वो भी प्याज टमाटर और पिज़्ज़ा सॉस वाला, साथ में सेब दिया, और आज उसके सरप्राइज़ में दूसरा सरप्राइज़ मैंने ऐड कर दिया चॉकलेट दे करके। वीक में एक बार ही उसको चॉकलेट देती हूँ क्योंकि उसको चॉकलेट बहुत पसंद है। तो जब वो स्कूल गया और उसने टिफ़िन बॉक्स खोला तो बहुत खुश हो गया था कि अरे वाह, आज तो दो दो सरप्राइज़ हो गया। फिर मैं उसको स्कूल छोड़ करके आई और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि आपने अभी योगा वीडियो शेयर करना छोड़ दिया है, कि आपने योगा छोड़ दिया। तो मैंने सोचा बता दूं आपको कि नहीं, मैं योगा कंटिन्यू करती हूं, लेकिन अब मैं बालकनी में नहीं कर रही हूं क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा उमस है, बहुत गर्मी है। तो कमरे में ही सारे दरवाजे खिड़कियाँ खोल करके और स्कूल से लौटने के बाद सबसे पहले योगा करती हूँ, फेस योगा जो मेरा होता है, लोम विलोम, कपाल भारती और बॉडी स्ट्रेचिंग, हाथ पैर जितने स्ट्रेचिंग वाले चीज़ें होती है ना, क्योंकि दिन भर हम कितना भी काम कर ले पर मसल्स को और हड्डियों को, बॉडी को स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी होता है। और फेस मसाज, तो ये जो फेस का मसाज करती हूँ, योगा करती हूँ, ये मेरे लिए एकदम आदत सी पड़ गई है काफ़ी सालों से, तो ऑटोमेटिक मेरा जो है ना, जैसे ही मैं योगा शुरू करती हूँ तो सबसे पहले मुझसे यही होता है, फेस पे कुछ लगाती नहीं हूँ, बस सारे प्रॉपर अपने हाथ को रब करके इस हाथ के हीट से मैं इसको अपने फेस को मसाज कर लेती हूँ। वैसे योगा कर क्या, कौन सा योगा किस चीज़ के लिए करना चाहिए, अगर आपको वो जानना होगा ना तो कमेंट या व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपको बताऊँगी कि स्किन के लिए कौन सा योगा करें, पेट के लिए कौन सा योगा करें, हड्डियों के लिए कौन सा योगा सही होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम या चेस्ट के लिए कौन सा योगा आपके लिए सही होगा। सारी योगा जो है ना अलग अलग होती है, और कुछ कॉमन पांच योगा होती हैं जो सबको करना चाहिए, वो मैंने 5 योगा पोजेज आपके लिए शेयर किया हुआ है, आपने शायद देखा होगा। बहुत सारी लेडीज़ बोलती हैं हमें इतना समय नहीं मिलता है, बट अगर आप सबके लिए समय निकाल सकते हैं ना,
तो अगर अपने लिए भी ठान लीजिएगा ना, तो अपने लिए भी ये 10 मिनट का समय ज़रूर निकाल लीजिएगा। फिर उसके बाद मैं नहा धो करके, पूजा करके, नाश्ता करके मैं बैठ जाती हूँ 11 बजे के अराउंड वीडियो की तैयारी करने के लिए। बट आज मुझे याद आया कि आज वीडियो से पहले रचित के टेस्ट का सैम्पल पेपर तैयार करना है, क्योंकि रचित के एग्ज़ाम होने वाले हैं अब, और मेरी आदत है कि पढ़ाने से ज़्यादा मैं उसको सैम्पल पेपर सॉल्व करवाती हूँ। पढ़ाने का 2 राउंड में पढ़ा देती हूँ, नोट्स लर्न करवा देती हूँ, लेकिन सैम्पल पेपर सॉल्व करने से ना बच्चों का कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाता है और हर तरह के क्वेश्चन के लिए बच्चे रेडी रहते हैं। तो उसका पहला पेपर जो है वो लॉजिक्स का है और GK है और करंट अफेयर्स है। तो करंट अफेयर्स उसकी डायरी में लिखा हुआ है, उससे मैंने कई तरह के क्वेश्चंस बनाए। लॉजिक्स और GK की किताब है, उससे मैंने क्वेश्चंस को घुमा फिरा के बनाया, वो भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ताकि आप भी अपने बच्चों को सिर्फ एक पेज का सैम्पल पेपर सॉल्व करा के आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, बच्चों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और बच्चे एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। मेरे लिए रचित की पढ़ाई कभी भी टेंशन का एक मुद्दा नहीं रही है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर उसको पढ़ा रही हूँ और वो उतने टाइम कॉन्सेंट्रेट कर रहा है तो वो उसको एग्ज़ाम में गलतियाँ नहीं करेगा। एज अ टीचर और एज अ मदर मुझे ये पता होता है कि कहाँ रचित गलतियाँ कर सकता है, तो बस मैं उसी पॉइंट्स पे फोकस्ड रहती हूँ। आप अपने बच्चों को पढ़ाने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या रखते हैं ये मुझे बताइएगा, और अपने बच्चों को कितनी देर टाइम दे पाते हैं पढ़ाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने यह देखा है कि बच्चों की स्कूल की डायरी तक खोलने का उनके पास समय नहीं होता है। तो जब आप बच्चों की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होगे ना, तो बच्चों की पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। ज़रूरी नहीं कि आप फुल टाइम उन्हें पढ़ाइए, बट आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है एज अ पेरेंट। और मैं तो अपने आप को डबल रोल में मानती हूँ कि मैं जब 3:30 से 5:30 मैं मदर के रोल में नहीं रहती, मैं एज अ टीचर रहती हूँ। तो अभी भी मैं उसके लिए सैम्पल पेपर जो है ना वो एज अ टीचर बना रही हूँ कि कहाँ कहाँ वो गलतियाँ कर सकता है, ताकि एग्ज़ाम में वो गलतियाँ ना करे। कि कल से एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो कल उसका ब्रेन बूस्टर लॉजिक्स का एग्ज़ाम है, तो मैंने उसके लिए पहले से ही सैम्पल पेपर तैयार कर लिया है। सैम्पल पेपर में मैं उन चीज़ों पे फोकस करती हूँ जो लगता है कि हाँ रचित गलत कर सकता है, जो उसकी अच्छी से प्रैक्टिस है ना उसको मैं सैम्पल पेपर में दे करके टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है, राइट 6 लेटेस्ट गैजेट्स नेम। ये फर्स्ट चैप्टर का जो गैजेट्स का नाम उसको नहीं ढंग से लर्न है स्पेलिंग, वो मैंने दे दिया, जैसे स्मार्ट, ये टच स्क्रीन मोबाइल, टैबलेट, कुछ कुछ हिंट भी दे दिया, आईपैड, आईपॉड, यहाँ पे पॉड लिखना होगा, यहाँ पे है LCD TV, LED TV और यहाँ पे आएगा स्मार्टफोन। फिर फाइंड बॉडी पार्ट्स नेम, इसमें क्या है, स्पेलिंग्स में छुपा हुआ है बॉडी पार्ट्स का नेम, जैसे ये एट हर्ट है तो इसमें हर्ट छुपा है, चेयर में हेयर छुपा हुआ है, डिलीवर में लीवर छुपा हुआ है, स्नेल में नेल छुपा हुआ है। इसके बाद है ये मैच द फॉलोइंग, जो सेलर्स हैं उनको क्या कहा जाता है, जैसे ईयर रिंग्स के सेलर को क्या कहते हैं, गोल्ड स्मिथ, केक जो बनाता है उसको बेकर कहते हैं, शुगर और राइस जो बेचते हैं वो कहलाते हैं ग्रॉसर, टूरिस्ट जो कि फूल बेचता है, और बल्चर जो मीट एग ये सब बेचते हैं उसको बल्चर कहते हैं। तो बेसिकली इसमें इसको मैचिंग करना है, थोड़ा अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देती हूँ ताकि इंटरेस्ट बना रहे उसका। इसके बाद है हाउ टू ट्रेवल, जैसे एस्ट्रोनॉट कैसे ट्रेवल करते हैं, तो यहाँ पर उसको लिखना है एस्ट्रोनॉट किससे ट्रेवल करते हैं। फिर ट्रेन इन सिटी को क्या कहते हैं, ट्राम, ट्रेवल डाउन द रिवर इसको क्या कहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम क्या लेते हैं, ट्रेन लेते हैं या एरोप्लेन लेते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। फिर इसके बाद है रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, जैसे योर मदर्स डॉटर, आपकी मम्मी की बेटी आपकी क्या लगी, सिस्टर्स, योर मदर्स और फादर्स फादर, आपके मदर या फादर के फादर कौन हुए, ग्रैंड फादर, योर आंटी के सन्स, तो आपका आंटी का बेटा आप क्या क्या हुआ, कजन्स, योर सिस्टर्स हस्बैंड, आपकी बहन का हस्बैंड जीजा या सिस्टर इन लॉ, यहाँ पे लिखेंगे सिस्टर इन लॉ, हिंदी में बोलते हैं जीजा जी। आप बेबी गर्ल को क्या बोलते हैं, योर मदर सन, आपकी मम्मी का बेटा क्या हुआ, आपका ब्रदर हुआ। योर वाइफ्स और हस्बैंड्स मदर, आपकी वाइफ या हस्बैंड के मदर को क्या कहते हैं, मदर इन लॉ कहते हैं। ये कुछ रिलेशंस हैं जो उसको लर्न नहीं है, तो मैंने इसलिए उसको ये दिया हुआ है। रचित का ना रीजनिंग का पार्ट बहुत अच्छा है, तो बहुत कम क्वेश्चन मैंने रीजनिंग में दिए हैं। जैसे एक पहला टाइप का रीजनिंग है कि ये वर्ड मीनिंग से इसको डिक्शनरी में कौन सा नंबर 1 पे आएगा, कौन सा नंबर 2, W, S, T और L में डिक्शनरी के अकॉर्डिंग उसको यहाँ पर नंबरिंग करनी है। दूसरा है ये एक स्पेलिंग है, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर लिखा हुआ है, इस छुपा हुआ स्पेलिंग है, उसको फाइंड आउट करना है कि इससे कौन सी स्पेलिंग बन रही है। तो इससे स्पेलिंग बनेगी ब्रेन, BRAIN, यहाँ पे उसको नंबरिंग को ठीक से लगाना है कि कैसे कैसे नंबरिंग करेंगे कि ये ब्रेन बन जाएगा।
तीसरा है सरप्लस, इसमें कोई वर्ड छुपा हुआ है तो प्लस वर्ड छुपा हुआ उसको यहाँ पर लिखना है। चौथा है इससे कौन से वर्ड मीनिंग बनेंगे, इससे बनेंगे ईयर्स EARS, और इससे बनेगा ब्रेड BREAD ब्रेड, उसको दिमाग लगा के इससे वर्ड मीनिंग्स बनाने हैं। फिर इसके बाद अगला रीजनिंग होता है बॉल जो है वो सर्कल होता है, डोर कौन से शेप में होता है उसको लगाना यहाँ पर लिखना है। ये रीजनिंग होता है लेटर्स के AEEE, ए के बाद BCD गैप कर दिया यानी तीन लेटर के गैप हैं और तीन एक ही लेटर तीन बार लिखा, तो FJJJ उसी तरह तो KOOO, तो यहाँ पे क्या आएगा L, फिर MNO को गैप करेंगे फिर PPP आएगा, वो उसको इसमें से कंपेयर करके यहाँ पे आंसर निकालना है। फिर 9 का टेबल में 36 कितनी बार आता है, 9 4 36, तो 12 4 क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ पर आंसर लिखना है। एंड वॉट इज़ द सम ऑफ 300 + 40 + 7000 + 8 यहाँ लिखना है। अब मैंने लास्ट में थोड़ा जगह छोड़ा है क्योंकि उसको ना करंट अफेयर्स का भी एग्ज़ाम है, तो करंट अफेयर्स उसकी डायरी में लिखा हुआ है, अभी जब वो डायरी लेके आएगा तो मैं यहाँ पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनाऊंगी और आज ट्यूशन में पहले उसको ये पेपर सॉल्व करवाऊंगी क्योंकि कल उसका यही एग्ज़ाम है। तो आप भी अपने बच्चों का सैम्पल पेपर इस तरह से बना के सॉल्व करवाया करिए, तो एग्ज़ाम में उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। आज का रचित का दिन स्कूल में ऐसे क्यों रहते, अभी तो तुमने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, कब अभी तुमने बोला तुमने आज एक भी वर्क नहीं छोड़ा, टिफिन सारा फिनिश कर दिया, मैम ने भी तारीफ की, सब कुछ तो अच्छा अच्छा रहा आज। और तुम्हारा दिन अच्छा मतलब मम्मा का दिन डबल अच्छा। आयुष कौन, चलो हम लोग भी घर पहुँचे, देखो भगवान जी भी कंफ्यूज हो गए, हम अभी दूसरा बस्ता टांग के आए थे, रेनकोट छाता लेके भगवान जी धूप कर दिए। नानी बोली भी बस्ता टांग के कहाँ जा रही हूँ, बोले रचित को लेने जा रहे हैं, नानी से वीडियो कॉल पे बात हो रही थी। आपको पता होगा कि मैंने और मेरे पापा ने मिल करके एक फ्री लीगल एडवाइस की कोशिश शुरू की थी और उसमें बहुत अच्छा चल भी रहा था, ऑलमोस्ट 12,000 केसेस हुए जिसमें से हमने 10,000 केसेस सॉल्व किए, बट हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा, बहुत ख़राब इन द सेंस कोई भी किसी भी समय फ़ोन कर दे रहा रात के 12 बजे 1 बजे। इसके अलावा सबसे आम का नाम एड्रेस मांगते थे तो लोग नाम एड्रेस नहीं भेजते थे, जैसे कि कोई ट्रस्ट इशू हो, जबकि बिना नाम एड्रेस के कैसे टाइम स्लॉट बुक होगा, बिना केस डिटेल जाने कैसे मेरे फादर जो उनको एडवाइस देंगे, लोग सीधे डायरेक्ट बात करना चाहते थे कि जज साहब से बात करा दीजिए। फिर तीसरा आधार कार्ड अगर मान लो तो लगता है कि जैसे हम उनके बैंक को ही लूट लेंगे, हालांकि पता है कि आजकल ऑनलाइन बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं इसलिए लोगों को ट्रस्ट नहीं होता है, आधार कार्ड कोई भी नहीं देना चाहता। तो सबसे बड़ा हम लोग को झटका ये लगा कि विदाउट केसेस भी लोगों ने कॉल करने शुरू कर दिए, लाइक अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का झगड़ा हो गया, मैडम कॉल कर रहे हैं मैडम एडवाइस दे दीजिए क्या करूँ, लिव इन रिलेशन में प्रॉब्लम आ गई एडवाइस दे दीजिए, पापा ने पॉकेट मनी कम दे दिया है इसमें क्या करना चाहिए एडवाइस दे दीजिए। लेकिन 8,000 से 9,000 के केसेस इतने जेन्युइन थे ना, और उन केसेस के थ्रू हम लोगों को इतना सीखने का मौका मिला कि सच में जो हम लोग अलग अलग क्राइम पेट्रोल या सावधान इंडिया ऐसे सीरियल्स में जो देखते हैं ना, एक्चुअली में वो सारी रियल स्टोरीज हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, मैं वो एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगी, मतलब ऐसे यूनिक केस हमने सॉल्व किए हैं, लगता था कि नहीं रियल लाइफ में ऐसा तो नहीं हो सकता, कोई ऐसा नहीं कर सकता अपने अपनों के साथ, बट ऐसे केसेस हुए हैं। आपको अगर मन होगा तो बताइएगा मुझे, मैं आपसे ज़रूर कुछ केसेस शेयर करूँगी। तो फाइनली फिर मैंने एक वीडियो पोस्ट की जिसमें बेसिक जो है वो 300 का रजिस्ट्रेशन रखा है और 300 रुपीज़ तो लोग मोबाइल रिचार्ज भी करवा लेते हैं। अगर आपको लीगल एडवाइस चाहिए, कानूनी सलाह ऐसे ही कोई जल्दी देता नहीं है, और अगर आपको कोई कानूनी सलाह दे रहा है तो सही सलाह मिलनी चाहिए, सही सलाह वही देगा जो अनुभवी होगा। तो उस अनुभव के आधार पर मेरे फादर जो उन लोगों को सलाह देते थे, तो अब मैंने 300 रुपीज़ कंपलसरी कर दिया। पैसा कमाना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन फ्री की चीज़ों जो मिलती है ना उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती, उसकी इंपॉर्टेंस लोगों को समझ में आए, इसलिए ये रजिस्ट्रेशन बहुत कंपलसरी है। और रजिस्ट्रेशन के बाद अपना एड्रेस और केस डिटेल भेजना, तभी फिर टाइम स्लॉट बुक होगा। ये मैंने वीडियो पोस्ट की, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को इससे झटका भी लगेगा कि कहाँ तो फ्री में दे रहे थे कहाँ पैसा, बट वही है लोगों की सोच, आप एक बार में नहीं बदल सकते, उसके लिए लगातार कोशिश करनी पड़ती है। तो बस यही है, एक कोशिश फिर से है लोगों की सोच बदलने की, देखते हैं कि ये कोशिश कितना मतलब साकार होता है। खैर आपको आज की ब्लॉग में सबसे अच्छा क्या लगा ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियोस ब्लॉग्स सब अच्छी लगती होंगी तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।